नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं कृषि विज्ञान संस्थान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉर्टिकल्चर विभाग में मैं आया हूँ, सॉइल मृदा विभाग में मैं आया हुआ हूँ। और यहाँ पर डॉक्टर सतीश कुमार सिंह जी से मैं आज ये जानना चाहता हूँ आप किसान भाइयों के लिए कि मृदा में जो कार्बनिक मात्रा की बहुत कमी हो रही है, जीवांश की कमी हो रही है, इसको किसान भाई कैसे इसको पूरा करें, और इसमें जो प्रबंधन है वो बताएं, और कोई जैविक प्रबंधन है तो वो भी बताएं। किसान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि कुशवाहा जी ने बताया कि मृदा में जैविक पदार्थ की कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से किसान भाई, मृदा में जो ये कार्बनिक पदार्थ या जिसे हम जैविक जैव पदार्थ बोलते हैं, तो ये कमी इसलिए हो रही है कि पहले गांव में बहुत सारे जो पशुधन होते थे, गोबर खूब होता था, तो किसान भाई गोबर पे ज़्यादा आश्रित थे, लेकिन पहले पैदावार भी कम होती थी, रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत कम होता था, लेकिन अब गाँव में भी गोबर कम होने लगा है, रासायनिक कृषि ने जोर पकड़ा, पैदावार भी बढ़ा जो है, तो इसलिए निश्चित रूप से ये कम होने लगा है, जो कि बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि मृदा एक जीवित एंटिटी है, वस्तु है, जिसमें जीवन कहाँ से आता है, उसके जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एक ग्राम मृदा में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे आँखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन ये मृदा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा बहुत गोबर की खाद, थोड़ा बहुत जो है जैविक खाद, चाहे वो गोबर की खाद हो, चाहे वो बर्मी कंपोस्ट हो, चाहे हरी खाद हो, किसी न किसी प्रकार से वो करके वो करते रहें, जो है अपने खेत में डालते रहें, तो उनकी मृदा क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी, एक्टिव रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि देखिए, आजकल एक ऑर्गेनिक खेती, कार्बनिक खेती, जैविक खेती की बात और रासायनिक खेती में बड़ा द्वंद्व छिड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि रासायनिक खेती जो है ये जो है खेत को खराब कर रही है, जैविक खेती करना चाहिए, तो लेकिन क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या जैविक खेती के सहारे हम जनता का, भारतवर्ष में जो इतनी जनसंख्या है, उसका पेट भर सकते हैं, या पूरे विश्व में जो 7 बिलियन के करीब जनसंख्या है उसका हम पेट भर सकते हैं। बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े इस पर शोध कार्य किया जा रहा है, लॉन्ग टर्म फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट लंबी अवधि से हो रहे हैं। इससे पहले मैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में था, वहाँ पर पिछले 60 साल से शोध चल रहा है कि भाई इन उर्वरकों को देने से मृदा के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो उसके परिणाम मैं संक्षिप्त रूप में ये बताऊंगा आपको कि उर्वरकों के देने से, लेकिन उसके साथ जरूरी है कि संतुलित मात्रा में उर्वरक। ये मृदा आपकी खराब क्यों हो जाती है, क्योंकि आप उर्वरक संतुलित मात्रा में नहीं देते हैं, केवल यूरिया ही डाल रहे हैं और DAP डाल दिए, पोटास बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो धीरे धीरे भगवान ने मिट्टी में एक बहुत बड़ा पोषक तत्वों का भंडार दिया है, लेकिन जब हर साल आप इतना गेहूँ, धान, इतना सब्जी, इतना ले रहे हैं, इनके लेने का मतलब है कि आप उस बैंक में जो मिट्टी रूपी जो पोषक तत्वों का भंडार भगवान ने दिया है, उसे आप हर साल निकाल रहे हैं। तो केवल निकालते रहेंगे, डालेंगे नहीं, तो क्या होगा, डेफिसिट होगा। तो पहले केवल नत्रजन की कमी थी, बाद में देखा आपने फास्फोरस पोटास की हुई, अब हम लोग कहते हैं सल्फर की भी कमी हो गई है 50% मृदाओं में। यदि धान गेहूँ फसल चक्र है तो आपको जिंक डालना ही डालना है, बिना उसके पैदावार अच्छी नहीं होगी। हमने देखा इधर टेस्ट करके कि बोरान की बहुत भारी कमी है इधर के मृदाओं में, 50% मृदाओं में बोरान की कमी हो गई है। तो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में 17 पोषक तत्व पौधों को जरूरत होते हैं, तो आगे आने वाले समय में आपको आयरन की भी कमी होने जा रही है, 12-13% मृदाओं में हो गई है ऑलरेडी, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा हो गई है। तो ये जो अंतर है इसे पाटना है। जैविक पदार्थ इसलिए हम लोग सदैव कहते हैं कि मिट्टी को यदि जिंदा रखना है तो जैविक पदार्थों को डालना है। तो आप जो भी आपके, हम सदा ये एडवाइज करते हैं कि इसके चक्कर में ना पड़ें, ये यूरिया DAP ये कोई टॉक्सिक नहीं है कि आपने मिट्टी में डाला, ज़्यादा यूरिया झोंक देंगे तो बह करके आपके नीचे पानी में जाएगा, पानी पिएंगे नाइट्रेट रहेगा, आपके बच्चों को नुकसान करेगा, आपको नुकसान करेगा।
लेकिन जितना संतुलित संतुलित मात्रा है वैज्ञानिक ने जितना बताया है उतना ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। और जब रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में लगेगा यदि आप गोबर की खाद हरी खाद इनका समावेश कर लेंगे, क्योंकि आपकी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, अब यूरिया डालते हैं पौधा ऐसा नहीं कि मुँह खोल के खा लेगा जैसे हम लोग रोटी खा जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो यूरिया है आपका चेंज होगा, रासायनिक चेंज होगा, उसके हाइड्रोलिसिस होगी, तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के वो नाइट्रेट में बदलता है। और चाहे आप गोबर की खाद डालेंगे तब भी वो उसका विघटन होगा और वो नाइट्रेट में बदलेगा, तभी पौधे का जड़ उसको लेगा, पौधा तभी उसको अपने अंदर लेगा और वो पौधों के काम आएगा। तो जब तक मिट्टी आपकी जैविक रूप से सक्रिय नहीं रहेगी तो यूरिया डीएपी भी डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपका फसल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए ये आप ध्यान रखें कि गोबर की खाद वगैरह ये डालते रहें अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए। और हमारा सदैव सलाह रहता है कि जो भी आपके पास है बराबर मात्रा में सब जितनी आपकी खेत है सब में डालें, ऐसा नहीं कि एक ही में डाल देंगे। एक ही बीघे में आप 10 ट्राली मान लीजिए गोबर की खाद डाल दिए तो हम उसको वेस्टेज मानते हैं, क्योंकि होता क्या है कि साल भर में यहाँ का जो तापक्रम है, यहाँ की जो वातावरण है, वो क्या होता है कि उसको साल भर बाद नापेंगे तो बहुत ज़्यादा कार्बन में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए उसको 10 बीघा खेत है तो 10 बीघा में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, जैसे जामुन लगाते हैं दूध में वैसे जामुन लगा दीजिए, थोड़ा थोड़ा भोजन दे दीजिए, वो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और एक ही जगह डाल देंगे तो जैसे आप भट्टी में डाल दें, जा की भरसाएँ हैं भट्टी है उसमें सारा ईंधन एक साथ डाल दें तो वो आधे घंटे में जल के ख़त्म हो जाएगा, और थोड़ा 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 डालते जाएँ तो वो पूरा दिन भर तक चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है कि बहुत जो सीमित मात्रा में आपके पास उपलब्ध हैं उसको आप मिट्टी में देते रहें। और ये जो यूरिया डीएपी जो संतुलित मात्रा में है इनको देने से ऐसा देखा गया है लॉन्ग टर्म जो फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट हैं कि जिसमें संतुलित मात्रा में उर्वरक दिया गया उसके मिट्टी का स्वास्थ्य भौतिक रासायनिक और जैविक तीनों स्वास्थ्य अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? क्योंकि उसमें धान गेहूँ जो बोते हैं वो फसल अच्छी हुई, और फसल अच्छी हुई तो जो उसमें उसकी जड़ थी जड़ भी अच्छी बनी, फसल पौधा स्वस्थ रहा तो उसमें उसकी खूंटी जड़ भी अच्छी बनी, तो जब जुताई की है तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ उसमें बढ़ गया, और जिसमें हम बिल्कुल फर्टिलाइजर उर्वरक नहीं दे रहे थे या जिसमें केवल नाइट्रोजन दे रहे थे, किसी में नाइट्रोजन फास्फोरस दे रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कम हो गया। तो संतुलित मात्रा में जो उर्वरकों का प्रयोग है उसको करने से मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। लेकिन जैविक पदार्थों का प्रयोग करते रहेंगे तो जो ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है ये कमी बहुत धीरे धीरे आएगी, क्योंकि ये जो गोबर की खाद है इसमें जिंक भी होता है, आयरन भी होता है, बोरान भी होता है, सारे तत्व होते हैं, तो कम से कम आप उतना दे दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने मिट्टी को आप स्वस्थ रखने के लिए इन जैविक खादों का प्रयोग करते रहें, और उर्वरक देने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके स्वास्थ्य पे कोई उर्वरक यूरिया ऐसे जाके नहीं गेहूं में बैठ जाता है, वो आप गोबर की खाद डालेंगे उससे भी उसी स्वरूप में जाएगा, यूरिया डालेंगे उससे भी उसी नाइट्रेट स्वरूप में जाके प्रोटीन में बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो नुकसान करता है, अभी तक कोई ऐसी विधा नहीं है जो ये टेस्ट करके गेहूं बता दे कि ये जैविक वाला गेहूं है और ये यूरिया वाला गेहूं है, ऐसी कोई विधा नहीं है अभी तक जो कि ये टेस्ट करके, तो जब बता ही नहीं सकते तो अब ये कैसे पता कि कौन सा गेहूं है जो है। तो इसलिए जैविक अच्छा है जितना डाल सके, बिना जैविक के आपका मृदा का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मैंने आपसे बताया आप जो रासायनिक उर्वरक डालना आपकी मजबूरी, बहुत अच्छा है यदि हो जाए आपके पास इतना जैविक है। अब जैविक में गोबर की खाद है उसमें 0.5% नाइट्रोजन होता है, अब उसको आप मान लीजिए कि 10 टन भी डाल दिए, 25 से 30 टन एक हेक्टेयर में डालेंगे, उसमें भी 30% पहले साल में उपलब्ध होगा, 30 से 35%, तो उसकी उपलब्धता बहुत कम है। कितना आप डालेंगे, कितना डाल पाएंगे? मान लीजिए आपके पास उपलब्ध भी है तो आप कुछ एरिया में कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश में करना, केवल जैविक के भरोसे करना। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 किलो गोबर की खाद में 1 एकड़ खेती हो जाती है, तो वैज्ञानिक रूप से हम लोगों के पास आवें, हम लोग उसे देखें, वैज्ञानिक तथ्य ढूंढें। हम तो कहते हैं हमारे पास पोषक तत्व तो मिट्टी में रिजर्व है। जब तक आप इनपुट आउटपुट रिलेशन है, बैंक की तरह है कि बैंक में आपने पैसा जमा किया है, निकालेंगे तो आपको डालना पड़ेगा नहीं, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। वैसे मिट्टी है, भगवान ने आपको एक बैंक दे दिया पोषक तत्वों का,
हर साल निकाल रहे हैं आप धान गेहूं सब्जी सब उत्पादन कर रहे हैं, दो दो तीन तीन फसल निकाल रहे हैं, खूब निकाला आपने 50 साल 60 साल से, पहले कम निकालते थे अब ज्यादा निकाल रहे हैं, तो इसलिए अब ज्यादा आपको उर्वरक और ज्यादा वो नहीं देंगे तो नहीं होगा। तो डालने निकालने का संतुलन ये रहेगा। कोई हमको ये समझा दे कि भाई हम 1 किलो गोबर की खाद डाल के या 1 किलो कोई चीज डाल करके उतना चीज कैसे हो जाएगा, क्योंकि या तो जो मिट्टी में रिजर्व है उसी से उपलब्ध कराएगा। भाई 1 किलो आप कोई ऐसा चीज डाल दें, कोई जैविक उर्वरक डाल दें, तो वो जो मिट्टी में है उसी से उपलब्ध कराएगा, तो वो भी जा तो आपके बैंक से ही रहा है, मिट्टी से ही रहा है, आपने ऊपर से तो डाला नहीं। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि जितना हो सके, कायदे से तरीका तो ये है कि आप अपने काम भर का जो धान गेहूं है फसल ये ले लीजिए इनका, और जो उसके अवशेष हैं वो मिट्टी में मिला दीजिए, मिट्टी को वापस कर दीजिए, ताकि ये संतुलन बना रहेगा और ये सारी चीज़ें जो है अच्छी रहेंगी। आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसके लिए मृदा का स्वास्थ्य हमें बना के रखना है, तो उसके लिए जैविक पदार्थ तो हम लोग उसको समन्वित पोषक तत्व प्रबंध करते हैं कि आप के रासायनिक उर्वरक भी डालें, ये जैविक पदार्थ भी डालें, बायो फर्टिलाइजर जो जैविक उर्वरक होते हैं वो भी डालें, ये सबका समन्वित करके पोषक तत्वों का प्रबंधन करें तो खेती अच्छी रहेगी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार कुशवाहा जी। और किसान भाइयों, आपको और कोई सवाल होगा तो आप हमको कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम उन सवालों को लेकर फिर से डॉक्टर साहब पास आएँ और उन आपका मार्गदर्शन लेकर के आपको बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।